हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भिंडी। आपने मसाला भिंडी बहुत खाई होगी, अचारी भिंडी बहुत खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने दही भिंडी ट्राई की? ये बनाने में तो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलो हम इसकी रेसिपी की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने 300 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को हमने धोकर कपड़े से अच्छे से सुखा लिया है। याद रखें, आप जब भी भिंडी बनाते हैं भिंडी को धोकर कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लें, वरना इसमें मॉइस्चर रह जाता है और यह जो है चिपकने लगती है। हमने भिंडी को अच्छे से धोकर और हमने भिंडी को जो है इस तरह से इसके जो है तीन पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, अगर छोटी है तो टू पार्ट्स में, बड़ी भिंडी है तो उसको थ्री पार्ट्स में इस तरह से हमने काट लेना है। हमने सभी भिंडीज को इस तरह से काट लेना है। हमने यहाँ पे भिंडी को जो है काट लिया है। अभी हम यहाँ पे एक पैन लेंगे। मैंने यहाँ पे लोहे वाली कढ़ाई ली है, आप चाहे तो पैन ले सकते हैं। हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, ये मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, और तेल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने पर हम इसमें जो है कटी हुई भिंडी डाल देंगे। हमने भिंडी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देना है और हमने जो है भिंडी को थोड़ी देर जो है पकने देना है। हमने यहाँ पे भिंडी को लगातार हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, जब तक कि हमारी भिंडी जो है थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर की ना हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने भिंडी को पकाते हुए फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी जो भिंडी है हल्के से ब्राउन कलर की होने लगे, हमने जो है भिंडी को निकाल लेना है। और अभी हम यहाँ पे भिंडी को जो है निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे सभी भिंडी को जो है निकाल लिया है। अभी हम उसी सेम पैन में जो है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे, सरसों का तेल लेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, ये हमने 1/2 टीस्पून ली है। क्यूमिन सीड्स, जीरा, ये हमने 1/2 टीस्पून लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज यानी कि अनियन, एक अनियन लिया है, और हमने 1-2 हरी मिर्च ली है, और इसे चॉप करके हमने जो है इसमें डाल देना है। हमें इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। और इसके जो है पक जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में हम यहाँ पे ले रहे हैं किचन किंग मसाला 1/2 टीस्पून। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च। अभी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे, हमने यहाँ पे जो है नमक नहीं डाला है, और नमक कभी हमें इसमें नहीं डालना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमने यहाँ पे लेना है 2 टेबलस्पून यानी कि ग्राम फ्लोर इसमें डाल देना है, और इसे जो है हमें मिक्स कर लेना है, और इसे हमें लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। लगातार चलाते हुए हमारे यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही को हमने पहले से बीट कर लिया था, हमने इसमें डाल देनी है, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, हमने सेम वही कटोरी ली है, और उसी कटोरी के अकॉर्डिंग हम इसमें जो है 1.5 कप पानी डाल देंगे। हमने इसमें 1.5 कप पानी डाल देना है। हमने यहाँ पे पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए जो है इसे लगातार हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे जो है 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक अभी हमने इसमें ऐड करना है। अगर हम नमक को जो है पहले ऐड कर देते हैं तो हमारी जो दही है वो फट सकती है। हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी जो हमने पहले से पका ली थी। हमने इसमें भिंडी को डाल देना है और इसे जो है मिक्स कर लेना है। अभी हमने भिंडी को कम से कम यहाँ पे 7 से 8 मिनट तक जो है लगातार पका लेना है, और हमने जो है इसके लिए फ्लेम जो है हाई नहीं रखनी है, इससे हमारी जो भिंडी है नीचे से जल जाएगी। हमने जो है मीडियम फ्लेम पर जो है भिंडी को पका लेना है, और इसे बीच बीच में हिलाते रहना है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती। यहाँ पर हमने जो धनिया है 1 टेबल स्पून लिया है, इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम भिंडी को कम से कम 1 मिनट तक और पका लेंगे, और हमारी जो भिंडी की सब्जी है, दही भिंडी, भिंडी वाली दही की सब्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, और हमारी जो भिंडी की सब्जी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बनाने में बहुत ही आसान और स्वादिष्ट सब्जी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।